तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने 2021 के टोटल इनकम के बारे में। जी फ्रेंड्स, यदि आप लोग मुझे जानते हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि भाई यार, सबके वीडियो तो आ गए यूट्यूब पर। जितने भी यूट्यूबर थे, लगभग 20%, जी हाँ दोस्तों, सभी यूट्यूबर ने अपनी 2021 की इनकम नहीं बताई है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी 2021 की टोटल इनकम बताई है, ठीक है। और मुझे भी बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि भाई यार, अपनी फ़र्स्ट पेमेंट बताओ, आपके चैनल पर तो ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, यानी कि जो आपके वीडियोज़ हैं उन पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इतने व्यूज़ में आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है 2021 में, ठीक है ना। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने कमेंट किया है और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी कहा है, ठीक है ना। चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं और अफिलेट मार्केटिंग भी करता हूँ मैं, तो एक मेरा ये मेन चैनल हो गया और जो दूसरा चैनल है वो है ब्लॉग का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मेरे मेन चैनल से कितनी अर्निंग हुई है और जो मेरा ब्लॉग चैनल है उससे कितनी अर्निंग हुई है, मैं टोटल सब कुछ आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें सतीश के वीडियोज़ की, मनोज टी की और निकल योगी की और मंगेश कुमार की, है ना। ऐसे और भी यूट्यूबर हैं जिन्होंने दोस्तों अपने 2021 की टोटल अर्निंग को बताया है, लेकिन फ्रेंड्स, यदि मैं अपनी टोटल अर्निंग के बारे में बात करूँ तो मेरी टोटल अर्निंग यार मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज ही 2021 में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मेरा चैनल 2021 से पहले मोनेटाइज नहीं था। तो मेरा चैनल लगभग 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि जुलाई अगस्त के आसपास मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। और यानी कि 2021 के टोटल 6 महीने में मेरी अर्निंग कुछ भी नहीं हुई है, और मतलब 6 महीने निकल जाने के बाद जुलाई अगस्त में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो 2021 में मेरी केवल टोटल 6 मंथ की अर्निंग होगी, ठीक है ना। फ्रेंड्स, मैंने 2021 के टोटल 6 महीनों में कितने रुपए कमाए हैं यूट्यूब से, टोटल इनकम मैं आपको शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी ज़्यादा पेमेंट होती तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट एनालिटिक्स दिखा देता अपने यूट्यूब स्टूडियो का जा करके, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हुई है मेरी यूट्यूब पर, और 2021 में दोस्तों मुझे केवल और केवल 6600 रुपये आए हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल 6500 रुपये ही मेरे यूट्यूब चैनल पर से आए हैं और उससे ज़्यादा नहीं आए हैं। अब दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि मेरे वीडियोस पर अधिक व्यूज नहीं आते। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मेरी टोटल अर्निंग हो चुकी है 7000, ठीक है। अब 500 रुपये बस कम है $100 कम्प्लीट होने में, यानी कि 7500 रुपये होने में, और जो यूट्यूब की पेमेंट है वो $100 में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने अफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमाया है और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उससे कितना कमाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग से मुश्किल से 100-200 रुपये, 300 रुपये ही कमाए हैं, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में दोस्तों, जब मेरे वीडियोज़ पर व्यूज नहीं आते हैं तो अफिलिएट मार्केटिंग कैसे चलेगी अच्छी खासी, है ना। तो फ्रेंड्स, अफिलिएट मार्केटिंग में बस इतनी ही इनकम हुई है मेरी, 200-300 रुपये बस। और जो मेरा दूसरा चैनल है, ब्लॉग का चैनल है, तो फ्रेंड्स, उससे मेरी कितनी इनकम हुई है तो उससे मैं आपको बता दूं, तो उससे मेरी 1000 के आसपास इनकम हुई है, ठीक है। और जो ये मेरा मेन चैनल है, इससे इनकम हुई है मेरी टोटल 5000 से 5500 रुपये, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर के 6500 से 6800 रुपये के आसपास होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने 2021 में टोटल कितना पैसा कमाया है यूट्यूब से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं 2022 में कितनी अर्निंग होती है, और 2022 में दोस्तों फर्स्ट पेमेंट भी आ जाएगी मेरी यूट्यूब से, है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।